18 महीने की महाजंग में ऐसा पहली बार हो रहा है जब नेटो के खिलाफ खुद एक नेटो देश सीधा हमला करने जा रहा है। अगर इस नेटो देश ने दूसरे नेटो देश जर्मनी पर हमला कर दिया तो यकीन मानिए तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और हैरानी की बात तो यह है कि ये नेटो देश पुतिन के कहने पर युद्ध के लिए तैयार भी हो चुका है। हंगरी से तीसरा विश्व युद्ध शुरू। रूस यूक्रेन जंग के 18 महीने बाद अब युद्ध ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां अब नाटो देश आपस में एक दूसरे पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। पुतिन के खूंखार और बेरहम हमलों को यूक्रेन में देखने के बाद नाटो देश हंगरी ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना नाटो की सबसे बड़ी भूल है। और अगर इसी तरह से नाटो देश जर्मनी यूक्रेन को भारी हथियार सप्लाई करता रहा तो हंगरी कभी भी जर्मनी पर हमला कर देगा। क्या है पूरी रिपोर्ट, इसकी फुल डिटेल हम आपको दिखाएंगे। पुतिन मेरा यार, जर्मनी मेरा दुश्मन। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन का पारा इस वक्त सातवें आसमान पर है। नाटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन का साफ कहना है कि यूक्रेन रूस से किसी भी कीमत पर जंग नहीं जीत पाएगा। अगर नाटो देश जर्मनी और अमेरिका इसी तरह से अंधाधुंध अरबों डॉलर यूक्रेन को घातक हथियारों के लिए देते रहे तो मजबूरी में हंगरी रूस की तरफ से जंग करेगा और जर्मनी पर हमला करेगा। हंगरी का साफ कहना है कि जर्मनी के कई प्रतिबंधों की वजह से हंगरी को भारी नुकसान हो रहा है, जबकि तबाह होता यूक्रेन अभी भी रूस पर घातक हमला करने पर उतारू है। नाटो पर हमले को तैयार नाटो देश हंगरी। पिछले 48 घंटे में हुए भीषण युद्ध पर नजर डालें तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन रूस ने मॉस्को और दूसरे शहरों पर हुए यूक्रेन के ड्रोन हमलों का बदला बेहद बेरहमी से लिया है। ब्लैक सी से लेकर बखमूत तक रूस ने यूक्रेन के चीथड़े उड़ा दिए हैं। ऐसे हालात में अगर हंगरी भी रूस की तरफ से नाटो देश जर्मनी पर हमला करता है तो फिर यूक्रेन के साथ साथ नाटो को भी दोहरे मोर्चे पर जंग करनी पड़ सकती है। एक तरफ रूस से मुकाबला और दूसरी तरफ नाटो देश हंगरी को संभालना नाटो के लिए मुश्किल हो जाएगा। ब्लैक सी से बखमूत तक खून ही खून। अब आप ये भी जान लीजिए कि पुतिन के कट्टर समर्थक नाटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने जर्मनी से युद्ध करने पर क्या कहा है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने जर्मनी को युद्ध की धमकी दी है। नाटो देश हंगरी ने अपने नाटो सहयोगियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हंगरी की ऊर्जा आपूर्ति युद्ध की चपेट में आई तो फिर हंगरी जर्मनी से युद्ध करेगा। और ये बिल्कुल साफ है कि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने दो टूक कहा है कि यूक्रेन की मदद करके नाटो ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पुतिन के रूस को यूक्रेन और नाटो देश कभी भी नहीं हरा पाएंगे। विक्टर ओरबन ने यहां तक कह दिया है कि बाइडेन सरकार को हटाकर अमेरिका में ट्रंप सरकार बननी चाहिए, तभी युद्ध रुकेगा और तबाही रुकेगी। विक्टर ओरबन ने यह दावा ऐसे वक्त में किया है जब वो मॉस्को में शनिवार को सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। страны члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы. Предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство. Использовать военные и невоенные средства давления. Причем все это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями. США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного Хангри से тисра вишу юдшуру.
लगभग 93,026 वर्ग किलोमीटर में फैले हंगरी के पास लगभग 40,000 से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं, जबकि जर्मनी के पास सक्रिय सैनिकों की तादाद 63,000 के करीब है। ऐसे में अगर हंगरी जर्मनी पर सीधा हमला करता है तो तीसरा विश्व युद्ध जरूर शुरू हो जाएगा, क्योंकि नाटो देश हंगरी शुरू से ही रूस के साथ खड़ा है, जबकि जर्मनी पहले दिन से रूस के खिलाफ खुलकर युद्ध करने पर उतारू है। ऐसे हालात में अगर हंगरी जर्मनी पर हमला करेगा तो रूस हंगरी की मदद जरूर करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत जल्द नाटो देश गुटों में टूट जाएंगे और हंगरी से ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। हंगरी युद्ध करने पर क्यों उतारू है, इसके पीछे की भी कई वजह है। पहली तो ये है कि यूक्रेन की सैन्य मदद के सख्त खिलाफ है हंगरी। दूसरा, यूक्रेन की मदद के चक्कर में नाटो से जुड़े देश हथियार के मामले में कंगाल होते जा रहे हैं, जबकि जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया और लात्विया अपने फायदे के लिए रूस से जंग पर उतारू है। ब्लैक सी से बखमूत तक खून ही खून। इधर रूस के टैंक, रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल हमलों के सामने यूक्रेनी सेना टिक नहीं पा रही है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन को नाटो से मिले 30% घातक हथियारों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। जंग के मैदान में नाटो के लेपर्ड 2 टैंक जल रहे हैं, जबकि अमेरिका के हिमार्स रॉकेट सिस्टम को रूस की मिसाइल ब्रिगेड ने तबाह कर दिया है। इस वक्त यूक्रेन के डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमय, मिकोलाइव, ज़ापोरिज़्या पर भयानक हमले किए हैं। रूस का साफ दावा है कि नाटो का जो भी भारी और घातक हथियार यूक्रेन इस्तेमाल करेगा, रूस सभी को तबाह कर देगा। जरा देखिए रूसी सेना में सेकंड आर्मी का कोर कमांडर नाटो के हथियारों पर क्या दावा कर रहे हैं। रूसी सेना में दूसरी कोर के कमांडर ने बहुत बड़ा दावा किया कि उसके सैनिकों ने पुतिन की कसम को पूरा कर दिया है। पुतिन ने नाटो के हथियारों को तबाह करने और जलाने को बोला था। पुतिन ने यह भी बोला था कि पश्चिमी देशों के घातक हथियारों को चुन चुन कर तबाह कर डालो, और हमने नाटो के टैंक, तोप, रॉकेट सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को जला डाला है। रूसी सेना में दूसरी कोर के कमांडर ने दावा किया है कि अभी तक हम नाटो के 30% भारी हथियार को जलाकर राख कर चुके हैं। पुतिन मेरा यार, जर्मनी मेरा दुश्मन। तीसरे विश्व युद्ध से जुड़ी इन तस्वीरों को भी गौर से देख लीजिए। एक तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि पोलैंड के 10,000 से ज्यादा सैनिक लड़ाकू बख्तरबंद वाहन और हथियारों के साथ बेलारूस से सटे बॉर्डर पर जमा हो रहे हैं। ये पोलैंड के वो सैनिक हैं जो बेलारूस में मौजूद वैगनर लड़ाकों और रूसी सेना से सीधा मुकाबला करेंगे। तस्वीरों में दिख रहा है पोलैंड के सैनिक जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जबकि दूसरी तस्वीर लिथुआनिया और लात्विया की है, जहां हजारों अमेरिका और नाटो के सैनिक बड़े युद्ध की तैयारी में जुट गए। इन तस्वीरों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि यूक्रेन युद्ध बहुत जल्द तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। लेकिन इतना तय है कि रूस तीसरे विश्व युद्ध में अकेले नहीं लड़ेगा, बल्कि हंगरी जैसे नाटो देश रूस की तरफ से नाटो के खिलाफ युद्ध करने को तैयार हो चुके हैं। जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के लिए युद्ध खास तौर से विनाशक साबित होगा, इस पे कोई दो राय नहीं है। Чему приводит эта политика подливания масла в огонь, хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями и боеприпасами, направляя своих военных советников и наемников, делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства. डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि रूस ने यूक्रेन के साथ साथ नाटो को भी धूल चटा दी है। बेहिसाब ताकत, एडवांस घातक हथियार और बड़ी सेना के दम पर फूलने वाला नाटो अब चकरा गया है। नाटो यूरोप और पश्चिमी देशों से मिले 20 लाख करोड़ के हथियारों को पुतिन की सेना ने वाकई में जलाकर 30% जंग यूक्रेन और नाटो से जीत ली है। हालात ये हैं कि बखमूत में एक बार फिर से रूस ने यूक्रेनी सेना को जलाकर मार डाला है। जरा ग्राफिक से रूसी सेना के इस दावे को समझने और परखने की आप भी कोशिश कीजिए। आखिर